अस्सलामुअलैकुम, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम गांव में मौजूद हैं और आज आपको गांव की लाइफ के कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाते हैं। और मेरे साथ दो लोग भी मौजूद हैं, इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। व्हाट इज़ योर नेम? याया। एंड व्हाट इज़ योर नेम? वासिफ। मेरे साथ दो लोग भी हैं जो गांव को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं, जस्ट वॉक पे निकले हैं। पीछे खेत हैं और परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और पीछे गवर्नमेंट का एक स्कूल है। और बाकी चले आए, चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। गर्मी तो नहीं लग रही है या? फिलहाल हम एक गांव की शॉप में जा रहे हैं और वहाँ से हमें कुछ मेडिसिन लेनी है, तो उधर चलते हैं और गांव की गलियों में से शॉर्टकट मारते हुए चलते हैं। ये एक मोहल्ला है जिसको मखदूमों वाला मोहल्ला कहते हैं। सो हम यहाँ पे आ चुके हैं। मैं कैमरा स्विच करता हूँ। थोड़ा सा कीचड़ है, बारिशों का मौसम है। ऊपर एक बहुत बड़ा सा जामुन का दरख्त है। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मोहम्मद अली हैं, मखदूम, उनका घर है ही। हम बचपन में यहाँ से जामुन भी खाते थे। साथ ही एक तंदूर है, यहाँ पर रोटियाँ पक रही हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आ जाओगे इजीली? गुड, चलो जी। काफ़ी घास है यहाँ पे, डेंजरस भी हो सकता है। कि ये मेरे दोस्त मोहम्मद लोगों के घर की खिड़की थी किसी ज़माने में। हम यहाँ से अक्सर देखते थे, क्रिकेट खेलते थे और बॉल अक्सर इस गली में आ जाती थी, यहाँ उनका सेन होता था। सो शरियार मोहम्मद अली, और अक्सर हमें फिर बॉल इधर घूम जाती होती थी उस टाइम पे। वहाँ पे भी घास होती थी। छोटी सी खिड़की नज़र आई हमें एक, यहाँ से हम अक्सर आके बॉल उठाते थे। बच्चे रोटियाँ लगवाने तंदूर पे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम स्नेक वाली जगह पे जा रहे हैं। हाँ, स्नेक होते हैं यहाँ पे भी। फिलहाल हम अब्बास हाउस के सामने से गुजर रहे हैं। फिलहाल गधा बोलने की एक आवाज़ आ रही है। ऊपर एक बोर्ड का दरख्त है, बोड़ी का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत पुराना। फिलहाल हम रोड पे आ चुके हैं जनाब, और ये एक बहुत ओल्ड दुकान थी यहाँ पे। असलम अंकल एक होते थे जो सब्ज़ी वगैरह और फ्रूट्स वगैरह बेचते थे। अब तो ये लोग जा चुके हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साहब, ठीक हो? इस रोड की हालत अब बहुत बुरी हो चुकी है। एक अंकल डेरे से दूध ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये चौधरी अशरफ साहब थे जो मेरे एक फेसबुक फ्रेंड के डैडी भी हैं, और मज़ीद एक ओल्ड स्कूल अबैंडन हवेली नज़र आई आपको, जहाँ एक हॉरर मूवी की शूटिंग भी इजीली हो सकती है। शॉप पे हम आए हैं जहाँ पे चिकन मौजूद है। आज सुबह हम इस शॉप पे आए थे, यहाँ से चिकन लेके गए थे। रोड का मंजर आपके सामने है। अभी हम वासिफ के साथ हैं और हम वासिफ मेडिकल स्टोर पे आए हैं। यहाँ से हम कुछ दवाइयाँ लेंगे। कौवों की पार्टी चल रही है ऊपर, कौवा पार्टी चल रही है। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में हमारे पास शहरों में वक्त बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम वॉक नहीं करते। तो आज हमने सोचा कि हम लंबा रूट लेके गांव को भी एक्सप्लोर करेंगे और बकरे का शिकार भी करेंगे। वासिफ के हाथ से बकरा जान बचा के भाग गया। आगे एक डॉगी आ रहा है। एनी हाउ, कल बारिश हुई है जिसकी वजह से गांव में भरपूर कीचड़ है। ये एक जगह है बचपन में, यहाँ पे जब हम स्कूल जाते थे तो ये एक स्टॉप होता था। हम यहाँ पे वेट करते होते थे, वहाँ से टांगे वगैरह आते थे, हम टांगे बैठ के इस साइड से स्कूल जाते थे। ठीक है,
कब्रिस्तान के पास से गुजरते गुजरते हम आगे बढ़ रहे हैं गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। आगे खेतों की तरफ हम जा रहे हैं। कब्रिस्तान के पास से हम गुज़र रहे हैं जी फिलहाल, और याया साहब अपनी व्लॉगिंग के कुछ जौहर दिखाना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे याया साहब? सामने भैंसे और गायें हैं याया साहब, और ये देखना चाह रहे हैं, इस वजह से हम उधर जाएंगे। एक बहुत ज़ालिम डॉगी आया है। यल्ला खैर, सलामुअलैकुम यार। सामने जनाजा गाह है। यहाँ बाय रोड चलते हैं। कुछ नहीं कहता यार, जितना उसे डरोगे इतना मसला होगा। गांव में जनाजा गाह के बिल्कुल पास कुछ दरख्त लगाए गए हैं गांव वालों की तरफ से, बोड़ी के दरख्त हैं। दो लड़के आ रहे हैं अपनी बकरी के साथ और उसकी फूड के साथ। क्या कह रहे हो? लड़का कैमरा देखते ही और बकरे के साथ फन करते हुए। ये इस गांव की जनाजा गाह है जहाँ पे नॉर्मली जनाजे होते हैं, और ये बड़ा सा कब्रिस्तान है। हम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। सो याया गांव में मज़ा आ रहा है? दूर जा रहे हैं हम। सामने सनसेट हो रहा है। कोशिश तो हमारी ये होगी कि हम सनसेट को भी कैप्चर करें। क्या हम इसको कर पाते हैं या नहीं, यार देखते हैं। वो एक ट्यूबवेल चल रहा है, क्यों ना वहाँ चलें। बहुत ज़बरदस्त काव है, वो बहुत प्यारी लग रही है दूसरे, है ना? जनाजा गाह के अंदर का मंजर भी देख सकते हैं आप। तो इधर से एक शॉर्टकट लेंगे। इस कब्रिस्तान में काफ़ी सारी खाली जगह है बीच में, और हम बचपन में यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेलते थे। ट्यूबवेल सामने बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ये धान की फसल है यहाँ पे, आजकल धान काश्त हो रही है। धान मीन्स चावल, राइस। इस खेत में ज़्यादा सा पानी खड़ा किया जाता है और उसमें फिर चावल लगाए जाते हैं। तो आए आगे चलते हैं, इस डेरे पे चलते हैं और इनसे पता करते हैं कि क्या ये लोग हमें ट्यूबवेल के पास जाके वीडियो बनाने देंगे या नहीं। ये एक बेल है, बड़ी सी पेठों की बेल है। पेठे मीन्स के बड़ा सा पंप के नौचा है उसकी। सामने भिंडी लगी हुई है और साथ ही ट्यूबवेल का शानदार नज़ारा है। ऊपर एक बैम्बू का दरख्त है और उसके नीचे हम खड़े, एक बड़ा सा मेगा कवा है जो उड़ के चला गया, जिसको पंजाबी में ढोडर कहाँ भी कहते हैं। वहाँ से जाएँ और इन्जॉय करें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एक्स्ट्रा स्वाबेदारन कमाना मत भूलिएगा।